प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जनपद संभल के बदायूं रोड चंदौसी स्थित ओएलएफ फार्म हाउस परिसर में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री आंजनेय कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल रहे। इन्वेस्टर्स समिट में जनपद के अलावा अन्य जनपदों के उद्यमियों व निवेशकों ने प्रतिभाग किया और 3,200 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू भी मिला और लगभग 1,500 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना भी है। परिसर में स्टाल भी लगाए गए। इन्वेस्टर्स समिट में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के साथ साथ जनपद व तहसील स्तरीय अधिकारियों के अलावा गणमान्य लोगों ने भी प्रतिभाग किया। एबीपी इंडिया न्यूज की विशेष कवरेज। आज का इन्वेस्टर्स समिट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ही हो रहा है और आज 3,000 करोड़ से ज़्यादा का संभल में इन्वेस्टमेंट की आ चुकी है सूचना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा होगा और जिस दिन प्रदेश स्तर की इन्वेस्टमेंट समिट होगी उस दिन तक और उसके बाद भी संभल में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि हम एक प्लान्ड वे में चल रहे हैं। नतीजे आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संभल की संभावनाओं को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत अधिक यहाँ पर निवेश आमंत्रित करने में सफल होंगे।